नमस्कार। देखिए आज हम आपको बताते हैं, मैं डॉक्टर संदीप आचार्य, कि आप किस तरह से बैक के पेन को ठीक कर सकते हो। जिनको भी बैक का पेन है, कमर का दर्द है, कमर दर्द के क्या कारण है पहले वह मैं बता देता हूं आपको। कई बार व्यक्ति का कोई सी इंजर्ड हो जाता है, कोई झटका लग जाता है, या नसें दबाव में आ जाती है, या फिर पेट बहुत ज़्यादा जब फूल जाता है तो हमारी बैक के ऊपर जो है पूरा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी बैक पेन आ जाता है। कई बार माताओं बहनों को माहवारी की वजह से भी बैक का पेन आ जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाने से। तो इसी तरह से हमारे जो बैक के कारण है, जैसे लंबर एरिया के अंदर डिस्क का बल्ज हो जाना, डिस्क का हार्नेटेड होना, डिस्क का जो है कहीं ना कहीं थिंकिंग हो जाना, तो वो काफ़ी कारण होते हैं जिससे हमको बैक में जो है पेन आता है। और आजकल जो है कमर का ये जो है दर्द जो है यह काफ़ी जो है बढ़ा हुआ है, काफ़ी व्यक्तियों को यह परेशान कर रहा है। और इस समय 70-80% लोग जो है पूरे भारत में इससे परेशान हैं। और बैक के पेन को हम किस तरह से घर पर रह करके भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है कैसे ठीक कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कि सबसे पहले तो जो पेन है उसको, पेन को एक जगह पे कैसे हम लेकर के आएं। अगर आपको पूरे ही बैक में पेन रहता है तो मसाज हम कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, तिल का ऑयल ले लीजिए, सरसों का ऑयल ले लीजिए, उस तिल के या सरसों के ऑयल से आप इस तरह से पहले उसकी मसाज करेंगे अच्छी तरह से। और ध्यान रखेंगे रीढ़ की हड्डी पे हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ की जो नर्व होती है बिल्कुल नाजुक होती है, तो उसको जो है हम ध्यान में रखते हुए इस तरह से जो है मसाज देंगे। पहले मसाज दे करके फिर हम ड्राई कपिंग के द्वारा किस तरह से जो है अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं, वो टेक्निक, वो विधि मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे मैं हजारों मरीजों को बिल्कुल ठीक कर चुका हूं। और आप भी घर पर रह करके किस तरह से जो है अपने बैक पेन से जो है छुटकारा पा सकते हैं, उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसकी मसाज देंगे अच्छी तरह से। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शूट किया था लीज थेरेपी का, लीज थेरेपी का वीडियो मेरा लगभग 1 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, बहुत लाइक किया है, बहुत लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो यह वीडियो भी मैं इसीलिए, काफ़ी व्यूवर्स के मेरे पास फ़ोन आए कि आप जो है आपने वेरिकोज वेंस पे, दाद पे, चंबल पे, एक्जिमा पे जो डॉक्टर साहब वीडियो शूट किया था, तो अब हमें बताएं कि हमको बैक पेन रहता है, कि बैक पेन को हम, सर्वाइकल पेन को हम अपने को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मसाज देंगे ऊपर की साइड से इन पॉइंटों को कवर करते हुए। उसके बाद आप देखिए हम किस तरह से दबी हुई नसों को निकाल सकते हैं। जिनकी नसें दब चुकी हैं, दबाव में आ गई है, पाँव में नमनेस रहती है, सुनपन आ गया है, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे जो है पूरी बॉडी की जो नसें हैं, जो पाँव की नसें हैं कूल्हे से हुए नीचे जाती हैं, तो वो उसका ब्लड सर्कुलेशन यहीं से ही होता है। अगर यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आती है तो वो नसें दबाव में आ जाती है, उसकी वजह से बैक पेन आता है। कई बार L1, L2, L3, L5 के अंदर जो है कहीं पे भी थोड़ा सा अगर गैप आ जाता है तो उस गैप के कारण भी जो है आपकी नसें जो है वो दबाव में आ जाती है। दबाव में आने के कारण फिर नसें, वो बैक पेन आपको शुरू हो जाता है, पाँव में सूनपन आना शुरू हो जाता है। तो आप किस तरह से, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आजकल सभी जगह पे उपलब्ध हो जाता है, तो उसको आप रीढ़ की हड्डी को छोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी पे बिल्कुल आराम से लगाएंगे। इस इंस्ट्रूमेंट से जो है ये कहीं पे भी आपको बाजार में सावधान सुलभ अवस्था में मिल जाता है। इस तरह से देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को, इस तरह से हम बिल्कुल 3-4 बार हम वैक्यूम करेंगे और ऐसे लगाएंगे। देखिए यह बहुत ही पुराना नुस्खा है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट थोड़े नए आ गए हैं। हजारों वर्षों से जो हमारे पूर्वज इसी तरह से इन प्राकृतिक उपचारों के द्वारा अपने को ठीक करते आए हैं। तो ये देख लीजिए, वो जो बीच में लगाएंगे वो बिल्कुल धीरे से आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से आप हल्की जो है पूरी बॉडी की, इस तरह से पूरी कमर की आप मसाज भी कर सकते हो। उसको थोड़ा सा वैक्यूम को आपने कम किया, तो मैं दिखा रहा हूँ अभी यह आपको कमर दर्द के विषय में, कि आप अपने कमर दर्द को किस तरह से, सर्वाइकल के दर्द को किस तरह से जो है ठीक कर सकते हो इस ड्राई कपिंग के द्वारा। इस तरह से गोलाई में पूरे कमर पे आप इसको घुमा दीजिए। ये देखिए ये किस तरह से पूरा वैक्यूम है, पूरी जो है नसों को खोल रहा है, इससे पूरे दर्द के अंदर जो है रिलीव आ जाता है, आराम आ जाता है बिल्कुल ही। तो यह है, आप देख रहे हो हमारे चिकित्सालय पे ड्राई कपिंग की चिकित्सा।
कि ड्राई कपिंग से हम किस तरह से जो है अपने जो है नसी दबी हुई नसों को ठीक कर सकते हैं, अपनी डिस्क की प्रॉब्लम को, कमर के दर्द को जो है बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपने सर्वाइकल के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी में ही अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बार बार सभी जगह से इलाज करा करके थक चुके हैं, तो जो वो है वो व्यक्ति हम अपने चिकित्सालय पे यहाँ पे ब्लड कपिंग भी कराते हैं। लेकिन ब्लड कपिंग जो है वो आप घर पे करने का ट्राई नहीं करेंगे, आप सिंपल जो है ड्राई कपिंग कर सकते हो। लेकिन ब्लड कपिंग मैं उन चिकित्सकों के लिए बता रहा हूँ जो डॉक्टर लोग हैं, जो इस क्षेत्र में और बढ़ना चाहते हैं, नेचुरल थेरेपियों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लड कपिंग हमें कैसे करानी है वो आप देख लेंगे। इस भाई को अभी जो है सर्वाइकल का पेन है, यहाँ पे लगातार पेन बना रहता है, तो उसको हम ब्लड कपिंग इस तरह से कराएंगे। जिस जगह पे पेन है पहले पेन को हमने इकट्ठा किया वैक्यूम के द्वारा, तो पेन को इकट्ठा करने के बाद फिर हम इस पे इस्तेमाल करेंगे ब्लड कपिंग जो भी अंदर, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, बगैर वात के हमारे पूरे शरीर में कहीं पे भी पेन नहीं हो सकता। जो भी पेन होता है वह है बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा वात बढ़ता है उसी से होता है, जो गंदा वात रखता है वो पेन का कारण बनता है। तो इस तरह से अब आप यह देख रहे हो हम करा रहे हैं अपने चिकित्सालय में ब्लड कपिंग, तो यह बिल्कुल नॉर्मल लीडल होता है, इसमें कोई पेन भी नहीं होता पेशेंट को और ना ही यह कोई पेनफुल प्रक्रिया है। ये देखिए पेशेंट आराम से लेटा हुआ है, इनको कोई पेन नहीं आ रहा है जो है, बस जी बस हो गया बस। तो ये आप देख रहे हो हमारे इस सहज योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के ऊपर ब्लड कपिंग। इससे देखिए जो ये गंदा वात रखता है ये सारा इस कप के अंदर जो है फॉलो कर करके ऊपर आ जाएगा और व्यक्ति को तुरंत आराम आ जाता है। यह एक ऐसी टेक्निक है चाहे कितना ही बैक पेन हो आपको तुरंत आ जाता है। लेकिन इसको आप कहीं पे भी नेचुरोपैथी सेंटर पे या पंचकर्मा सेंटर पे या जहाँ पे हिजामा ब्लड कपिंग जो क्वालिफाइड डॉक्टर कराते हैं इसको वहीं पे ही कराएंगे, इसको घर पे ट्राई नहीं करेंगे। घर पे आप क्या कर सकते हो, घर पे आप जो है जो ये ड्राई कपिंग है इसको किया जा सकता है, जो पहले शुरुआत में मैंने आपको बताई है, ठीक है, इसमें कोई सावधानियाँ नहीं है, तो इसको आप लगा सकते हो। तो मैंने बताया जिनके नसें दब चुकी हैं, मन के दब चुके हैं, उसमें आप इस तरह से इसको लेकर के और रीढ़ की हड्डी पे जब लगाना है, अगर L1, L2, L3, 5 की जो है नसें अगर दब चुकी हैं तो उस पर बिल्कुल ऐसे धीरे से लगाएंगे, 3-4 बार वैक्यूम करेंगे, या पूरा खिंचाव डालता है नसों को निकाल देता है, तो और आपकी जो है नसों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो मैं आपका डॉक्टर संदीप आचार्य है, हमारा जो ये नेचुरल थेरेपियाँ जो है ये देखिए सारी प्राकृतिक थेरेपियाँ हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि इसका प्रचार पूरे एक एक जो है घर तक जाए, पूरे व्यक्ति हेल्दी रहें स्वस्थ रहें। तो आपसे भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग अपनाएं, जीवन में आयुर्वेद अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्साओं को अपनाएं। तो मैं आपका डॉक्टर संदीप आचार्य है, आज का यह वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा इसको लाइक भी करेंगे। यह जो करनाल प्लस हेल्थ चैनल है हमारा, यह हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है जागरूक है, बहुत ही वीडियो डाल रहा है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।